आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज अपन कक्षा षष्ठी में विज्ञान विषय में अध्याय 15 पढ़ेंगे। कक्षा षष्ठी विषय विज्ञान अध्याय अपने चला था 15वां अध्याय 15 पाठ का नाम है हमारे चरण और वायु। हमारे चरण और की वायु ये पाठ अपन के चल रहा था। इस पाठ में आज का प्रकरण है जल और मिट्टी में रहने वाले जीव ऑक्सीजन का उपयोग कैसे करते हैं, ये उसको ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है। जल और मिट्टी में रहने वाले पौधों एवं जंतुओं को ऑक्सीजन कैसे ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है। यह आज का उनका प्रकरण है। अपन देखते हैं ऑक्सीजन गैस है, वो प्राण वायु जिसको अपन कहते हैं। सभी पौधे और जंतु सभी सजीव है और श्वसन क्रिया में काम लेते हैं। अपन को यह सोचना चाहिए कि पौधे और जंतु है जो पौधे जल में रहते हैं उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है। कुछ जंतु है वो भूमि के अंदर रहते हैं मिट्टी के अंदर रहते हैं उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है। तो ऑक्सीजन गैस है जिसको हम प्राण वायु बोलते हैं। प्राण वायु जो श्वसन क्रिया में सभी सजीव काम लेते हैं। श्वसन में सभी सजीव ग्रहण करते हैं। यह प्राण वायु है और देव जंतु सभी सजीव है और श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं। जबकि बस प्रकाश श्वसन क्रिया होती है उस समय पर देव और सूर्य को कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। तो जो पौधे जल में रहते हैं जलीय पौधे जलीय पौधे हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। जल में घुली हुई जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जलीय पौधे हैं जो जल में उपयोग होते हैं कमल है सिंगड़ा है वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। जल का सूत्र अपन को पता है, जल का सूत्र होता है H2O। यह सब सूत्र जल का इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी है। जल में ऑक्सीजन घुली हुई होती है और ऑक्सीजन का पौधे हैं वो जल से उस जल से ऑक्सीजन को लेते हैं छोड़ते हैं वो प्रकाश में काम आती है। और जंतु है वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं जलीय जंतु है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उस CO2 को जो पौधे प्रकाश में कर लेते हैं। अब ये बात है मिट्टी में जो रहते हैं जीव मिट्टी में भी पेड़ पौधे होते हैं पेड़ पौधे जड़ होते हैं पेड़ पौधे वे जंतु होते हैं
जंतु जो मिट्टी में रहते हैं वो पील बना करके रहते हैं, पील में रहते हैं और जमीन में छिद्र करते हैं। जमीन होती है वो छिद्र होती है। जमीन में क्या होते हैं? जमीन में छिद्र बनाते हैं, मार्ग बनाते हैं। इन छिद्रों के द्वारा, छिद्रों के माध्यम से हैं वो जमीन में पौधे तक पहुंच, जंतुओं तक पहुंच जाती है और जंतु शोषण क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करता है। अब अपन देखते हैं जब कोई वर्षा ऋतु होती है तो जमीन के छिद्र है वो अवरुद्ध हो जाते हैं। जमीन के छिद्र अवरुद्ध होने से श्वास लेने के लिए जंतुओं को दिक्कत आती है। जंतु क्या करते हैं, बारिश के मौसम में जमीन से बाहर अपने जमीन से बाहर आ जाते हैं। जमीन के अंदर छिद्र होते हैं वो वर्षा ऋतु में श्वास लेने के लिए बाहर आते हैं, धरती पर आते हैं और वहां से ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन गैस प्राणवायु है, पौधे और जंतु कैसे ग्रहण करते हैं अपने बड़ा। अब अपन देखते हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिष्ठित होती है। अगली चीज है वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है, यानी वायुमंडल में ऑक्सीजन का बैलेंस कैसे बना रहता है। तो सभी सजीव और श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। इसलिए कमी नहीं होती कि पौधे जंतु ऑक्सीजन की बिना जीवित नहीं रह सकते, श्वसन क्रिया में काम लेते हैं। तो पौधे जो ऑक्सीजन की श्वसन क्रिया में काम ले सके वो CO2 का निर्माण करते हैं। O2 का श्वसन में O2 ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं। और ये CO2 पौधे प्रकाश संश्लेषण में काम आती है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 लेकर के पौधा फिर ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रहती है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहता है, ये प्रतिस्थापित और CO2 द्वारा ये प्रतिस्थापित होती है ऑक्सीजन गैस। पौधे प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं और जो वायुमंडल में CO2 ग्रहण करते हैं और इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी सजीव और श्वसन क्रिया में करते हैं। ये मुझे पता था ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन कितना महत्व है। धन्यवाद।